भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र पुलिस ने झपट्टा मार गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पिछले दिनों रास्ते पर खड़ी एक युवती के हाथ में हाथ से मोबाइल छीन कर फरार हो गया था। 8th और 29th अगस्त के सॉरी 24th अगस्त की शाम को लगभग 4 बजे के आसपास एक घटना हुई थी, जिसकी सूचना हमको कुछ समय बाद मिली। बट घटना ये थी कि एक लड़की जो है, ये ऐशबाग थाने का मैटर है, जिसमें एक लड़की अपनी कुछ गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी थी, तो एक ऑटो चलता हुआ गया और उसके हाथ से लड़की के हाथ से किसी ने मोबाइल फ्लिक कर लिया। और उसके बाद लड़की अपने पिताजी के साथ थाने में कंप्लेंट देने आई थी। जो कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन था, उससे ये पता चला कि जो चोरी, जो लूट या फिर जो मोबाइल फ्लिक किया गया है उसके हाथ से, ये एक चलती ऑटो में से किसी ने हाथ से बाहर निकाल कर किया था। लड़की के डिस्क्रिप्शन में उसने बताया था कि ऑटो के ऊपर कुछ एक लोहे या एक दरवाजे की तरह जो चीज़ है वो लदी हुई थी। तो थाना ऐशबाग के आयो थाना प्रभारी और जो पूरी टीम है, उसने फुटेजेस निकाले, जिससे कि पता चला ऑटो को काफ़ी दूर तक ट्रैक किया गया और पता चला कि वो ऑटो जो है किसी कबाड़ी के दुकान में गई थी। और वहाँ पर पूछताछ करने से ऑटो की शिनाख्त हुई और ऑटो में जो बैठे थे उनकी शिनाख्त हुई। पता चला कि दो आरोपी हैं इसमें, निषादपुरा के रहने वाले, उन्होंने जो है इस लड़की का मोबाइल छीना था उसके साथ। तो दो आरोपी आइडेंटिफाई हो गए, इनफैक्ट तीन आरोपी थे, तीनों आइडेंटिफाई हो गए, दो अरेस्ट हो गए, एक का अरेस्ट होना बाकी।